सीनियर हैं सभी को, थैंक संकल्प। अगला संकल्प, मैं बहुत धनवान हूं। कौन कर सकता है संकल्प, करके दिखाओ। गरीब कौन कौन बैठे हैं यहाँ, भूखे हाथ उठा दो, चार पांच और हाथ उठाओ, भाइयों में छह और बहनों में आगे से। आज से आपकी गरीबी को दूर करने की विधि बता रहे हैं। सवेरे उठते ही 8 बजे तक कई बार संकल्प कर लेना, मैं बहुत धनवान हूँ। कौन से खजाने हमारे पास, ज्ञान का, सुख शांति का, खुशी और प्रेम का, श्रेष्ठ संकल्पों का, यही तो खजाने हैं। मैंने बहुत धनवान भी देखे हैं जिनको रात को नींद नहीं आती, और जो ये कहते हैं मेरा सारा पैसा दे दो, मुझे सुला दो। एक ने तो रूढ़ की मुर्गी है ना, पहले यूपी में था उत्तराखंड में, बहुत अच्छा बड़ा आदमी था, VIP, बात अब से 40 साल पहले की है, डिक्लेयर किया था 40 साल पहले, मैं 10 लाख रुपए दूंगा आपको इस सुलाई। तब तो मेरे को भी बेटी देनी आती थी, जो बात है तो मैं सुला था, क्योंकि हमारा लौकिक गरीबी है। मेरे छोटे भाई ने बताया, इसको बहुत बड़ा टाइटल गवर्नमेंट से मिला हुआ है, बहुत पैसे वाला है, लेकिन नींद नहीं आती है। सबको नींद आती है अच्छी, नींद में सुख है, खजाना है या नहीं? आप रोटी अचार से खा के मस्त होके सो जाते हो, वो अच्छा, या 12-15 प्रकार के भोजन थाली में सजे हो और खा के ऐसे हो जाए, कैसे हो जाए रात को नींद ही ना आए, करवट बदलते रहे, थोड़ी खाते रहे, वो ठीक है? कौन धनवान है? जिसके पास ये अलौकिक खजाने हैं वही धनवान है। इसलिए माताएं जो मन में समा बैठी हैं, मैं गरीब हूं, भाई लोग जो बैठा लिया है मन में मैं गरीब हूं, 10 बार सोचते होंगे मैं गरीब हूं, वो संकल्प को यही बिताई दे दो, मैं बहुत। तो ये 3 संकल्प मैंने आपके पास रखे शुक्रिया के अलावा, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत धनवान। और भी संकल्प हैं, दो और बता देता हूं जो अति अति उपयोगी है जीवन के। किसी के जीवन में विघ्न बहुत आते हैं, तो ये संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, विघ्न विनाशक हूं, साक्षात करें विघ्न नष्ट हूं। किसी को सफलता न मिल रही हो, सफलता चाहती हो, उसे संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध। संकल्प ने जन्म किया है हजारों सुंदर अनुभव लोगों के पास। बच्चे परीक्षा से घबराते हैं, मैंने उनको ये सिखाया, 7 दिन में घर खत्म हो गया, बहुत सुंदर अनुभव है। नौकरी नहीं मिल रही है, ये अभ्यास किए फटाफट नौकरी मिली। और सुन लो माताएं का, सुन लो बच्चों को सवेरे जब नींद से उठाओ, मैं और समय लेता हूँ, किसी को जाना हो तो जा सकते हैं अभी भी, किसी को गांव में जाना हो कोई बंधन नहीं है। अगर आपको सवेरे को, अगर आपको जीवन में कोई बंधन हो, पति का बंधन, कोई आपके घर में बीमार ही हो उसका बंधन, तो आपको आने नहीं देते सेंटर में, बीमार बहुत है, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। किसी और चीज का बंधन हो, उसते ही अभ्यास करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, बंधन ध्यान से सुन लो। जिनके घर में गीता पाठशाला हो वो ध्यान
में आने वालों को। इन एक एक संकल्पों में जादू है, और जादू क्यों है? क्योंकि इनकी तरंगें फैलती हैं चारों ओर, प्रकृति से मिक्स होती हैं और उन्हीं चीजों को कई गुना लेकर वापिस हमारे पास आ जाती हैं। ये सिद्धांत समझ लिया ना? मैं बंधन मुक्त हूँ, मैं बंधन मुक्त हूँ, तरंगे फैली आपको बंधन मुक्त बना देंगे। कई माताएं इसी यात्रा में, मैं भारत दिन से बाहर हूँ, इसी यात्रा में कई माताओं ने मुझे बताया हम बहुत बीमार रहते थे और मन में ये संकल्प भर कर गया था, मैं तो रोगी हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो रोगी हूँ, मेरा भाग्य ऐसा। ज्ञान लिया, ये बातें सुनी, संकल्प हो गया मैं निरोग हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ, सारे रोग दो तीन मास में भाग गए। सभी सुन लें, रोगों को भगाना है, मैं निरोग हूँ, संपूर्ण स्वस्थ हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ। दो चीजों में रोगों को भगाने की ताकत है, वो है प्रेम और खुशी। इन दोनों में सबसे ज्यादा हीलिंग पावर है, रोगों को ठीक करने की शक्ति है। देखो आपका बच्चा रो रहा है, माताएं कैसे क्या करती हैं उसे सुलाने के लिए? प्यार की धमकी देती है, क्यों सो जाता है बच्चा? इसमें सबसे ज्यादा पावर है। दो विषय तो बोल गए, इसलिए अपने मन में नफरत बसा दी, घृणा भाव बसा दिया, चिंताएं बसा दी, प्यार खत्म हो गया, रोग बढ़ गए शरीर में। जो बहुत खुश रहेंगे, जिन्होंने अपने अंदर घृणा नफरत ईर्ष्या द्वेष को स्थान नहीं दिया, वो रोगी होंगे नहीं होंगे भी तो स्वस्थ हो जाएंगे। बातें माताओं को जो मैं बात कह रहा था वो ये है, बच्चों को जो नींद से उठाओ तो उन्हें तीन संकल्प कराना। अब लिख लो, जिनके घर में छोटे बच्चे हो, पोते हो, मैं बुद्धिमान हूं, बुद्धि बन जाएगी, बुद्धि सबके पास होती है, लोक हो जाती है, बंद हो जाती है। मैं बुद्धिमान हूं, दिन दिन का नींद में बुलवा देना, मैं चरित्रवान हूं, मैं एकाग्र चित्त हूं। स्टूडेंट कौन कौन बैठे हैं? बचे हुए स्टूडेंट हाथ उठाओ। लौकिक स्टूडेंट, माताएं नहीं, लौकिक स्टूडेंट, विद्यार्थी हाथ उठाओ, छोटे विद्यार्थी भी हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। सुनो, एक सुंदर रहस्य की बात सुन लो, कभी किसी को जाना तो नहीं, जाना हो तो अभी भी जा सकते, 10 मिनट और, कोई किसी को वर्णन नहीं, जैसे वो घरिया का बड़ा होगा, मुझे नहीं रहता, चलो, उसको नहीं माता जी, क्यों उठ रही हो? तो वो ठीक नहीं, मुझे नहीं लगता ठीक, आराम से अब आप दूसरों को भी सिखाएंगे। एक विद्यार्थी मेरे पास आता है, तो केस ज्यादा आते हैं विद्यार्थियों के, मैं मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर हूँ, गणित नहीं, गणित बहुत भारी है, मेरा मन नहीं लगता, बोर होता हूँ, समझ में नहीं आता। अब गणित में नंबर कम हो जाए तो पूरे नंबर टोटल बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा आता है इंग्लिश बहुत कमजोर है मेरी, कई तो परेशान रहते हैं, अंग्रेज चले गए, ये अंग्रेज हमारे लिए छोड़ गए, मुसीबत हो गई, ना होती तो कितना अच्छा होता। अब ऐसे बच्चों को ठीक करना है, हमें होशियार करना है, भाई लोग भी सब ध्यान से सुन लेंगे, आप सब ये सिखाएंगे अपने इस बच्चों को, पोतों को, क्योंकि वो बच्चा बार बार सोच रहा है इंग्लिश बहुत कठिन है, मुश्किल है, मैं इसमें बहुत इंग्लिश में से आती नहीं। अब ये बार बार सोचने से क्या हो रहा है? माता इधर उधर नहीं देखेंगी, मिस हो जाएगी, गहरी बात है, दुनिया में कोई नहीं जानता इसे,
सुन लो ध्यान से फिर से, इंग्लिश मेरी बहुत कमजोर है, मैं इसमें बहुत कमजोर हूं, मैं तो कुछ समझ में नहीं आता, बोर करती है मुझे। तो जो अंग्रेजी के लिए ब्रेन में केंद्र है ना, ये ब्रेन बहुत सुंदर चीज है, इसमें हर चीज के लिए अलग अलग केंद्र बने हुए हैं। जैसे मोबाइल में अलग अलग पॉइंट है, सेल्फी लेनी ये दबा के, सामने से फोटो लेना ये दबा दो, मूवी निकालनी है वो ये दबा दो, ऐसे है ना, ब्रेन में भी ऐसे केंद्र है। तो जैसे वो विद्यार्थी सोच रहा है मेरा मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, ये मेरे समझ में नहीं आता, मैं तो इसमें बोर होता हूँ, तो उसका वो केंद्र धीरे धीरे बंद हो रहा है। अब हमें इसे खोलना है, वो संकल्प से बंद हुआ है, वो संकल्प से ही खुलेगा। मैंने कई उसे प्रयोग कराए और सफल प्रयोग हुए, ज्यादा समय नहीं लगा, बहुत जल्दी सफल हो गए। हमने उसको सिखाया तुम मैथमेटिक्स गणित, गणित में कमजोर हो, आज से उठते ही संकल्प करना, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा प्रिय सब्जेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको पसंद करती हूँ, करता हूँ, मैं इसमें बहुत होशियार हो जाऊंगा। बस ये संकल्प जो किए वो खुल जाएगा। एक लड़की का बहुत अच्छा अनुभव, 12वीं की परीक्षा दे रही थी, 11वीं में उसके 28 नंबर आए थे, ले दे के पास करा दिया था। अब उसकी जो टीचर थी ना, वो कोचिंग करने जाती थी, वो ज्ञान वाली है, उसको ये सब आता था, उसने उसको ये अभ्यास कराए, इंग्लिश बहुत अच्छी है, आई लव इंग्लिश, मैं इंग्लिश बहुत प्यार करती हूँ, ये तो बहुत सरल है, मैं इसमें बहुत जल्दी होशियार हो जाऊंगी। रोज वो उसको कराने लगी ट्यूशन लेने से पहले, और 12वीं में उसके अंग्रेजी में आए उल्टे हो गए, 28 से 82। सच्ची घटना है, 3 साल पहले। तो संकल्पों से ही उल्टा हो रहा है, संकल्पों से ही संकल्प ठीक होगा। सभी अपने को चेक करेंगे जो बार बार ये कहते हैं मैं बहुत परेशान हूं, संकल्प को बदलो, मैं बहुत खुश हूं, सही बहुत खुश हूं, मेरे जैसा खुश नसीब इस दुनिया में कोई नहीं, आप खुलते इसे भगवान मिलता हो। अब बस लास्ट बात कर देता हूँ, क्लियर है ना संकल्प, कल से करेंगे, मैं हाथ उठवाऊंगा, कौन कौन भूल गए, कौन कौन किया, कल कल हाथ उठाना, ठीक है, पसंद है ना। और भी जितने सुंदर संकल्प आप कर सके उतने ही करना, बहुत सुंदर संकल्प हम लोगों के पास ही है, दुनिया में इन संकल्पों का किसी को पता नहीं है। लास्ट बात, और इसको साथ लेकर जाना भी, बाबा ने कहा तुम सभी बहुत भाग्यवान हो, प्रभु पालना में पल रहे, प्रभु पालना सवेरे आकर बाप तुम्हें उठाते हैं, उठाते हैं, फिर पढ़ाने आते हैं, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, रात को सुलाते हैं, कोई बच्चा आंखों में आंसू बहाए तो उसको आंसू पहुंचते हैं। ये 5 बातें सुनाकर बाबा ने कहा अगर दुनिया वाले सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। और उस दिन भगवान भी नशे में था, बाबा ने उत्तर दिया तुम उन्हें कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा। भगवान खाली और हम बिजी, वो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार और हम अकेले, चेंज करेंगे इसे बदल, वो हमें निरंतर मदद देने के लिए तैयार बैठा है, उसकी मदद हमें
देनी है और याद रखेंगे जब भी उसको प्यार से बुलाएंगे उसका आना ही काफी है, हमें उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, उसे सब पता है मुझे क्या करना है। उसका आह्वान करो वो आ जाएगा और उसके आते ही खेल बन जाएगा, ठीक है। तो कल सवेरे अच्छा योग करके सभी आना, इन संकल्पों से अपने को चार्ज करके आना, तो नींद भी नहीं आएगी। बाद में योग करना 5 मिनट ये सब करके, नींद भी नहीं आएगी, योग फर्स्ट क्लास लगेगा, आपके चेहरे चमकेंगे तो उठते हुए मुस्कुराएंगे, सारा दिन मुस्कुराएंगे। ओम शांति पानी चलो अभी टॉली भी खिलाएंगे, गीता मैं तो बोला चलो गीत ही बजा ले, बजा तो ये सभी बाबा को बुलाए और बाबा को शुक्रिया करेंगे आपने मुझे सब कुछ दिया।
माइक में, माइक में कौन माइक पे अनाउंस करेंगे? सिस्टम क्या रखेंगे? तो सब खड़े हो जाएंगे कहाँ से लेंगे, कहाँ को जाएंगे, सब बताओ।